हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। साथ ही में आप लोग काफी फिट और हेल्दी भी होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास है क्लासिक 350 का स्टेलेट ब्लैक कलर, या कह लीजिए मैट ब्लैक कलर। काफी ज्यादा इस कलर में जो गाड़ी है खूबसूरत लगती है, और पर्सनली बहुत सारे लोगों का और मेरा भी फेवरेट कलर में से एक है। काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, और साथ ही में जो इसकी मैट ब्लैक फिनिश है, नो डाउट बहुत ही ज्यादा क्लासी है। तो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में इसी मोटरसाइकिल के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे आपको इस मॉडल में, साथ ही में क्या प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी आपको 2021 में, और अगर आप इसको दिवाली तक लेना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रत्यूष, और आप देख रहे हैं नमस्ते बाइक यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट अमेजिंग मोटरसाइकिल्स के रिव्यू के लिए, साथ ही में उनसे जुड़े इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, सबसे पहले गाड़ी की प्राइसिंग से शुरू करते हैं। तो जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो 2,11,000 रुपीस, यानी कि 2,11,000 रुपए। RTO इंश्योरेंस, बाकी सारे पेपर वर्क वगैरह मिलाने के बाद आपको कंप्लीट ऑन रोड 2,40,000 रुपीस की पड़ जाती है, यानी कि 2,40,000 रुपए की एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ मैं। अगर आपको बिल्कुल करेक्ट प्राइस जानना है तो अपनी नियर बाय रॉयल एनफील्ड डीलरशिप पर आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसको दिवाली में खरीदने का प्लान करा रहे हैं तो अभी आपको उसको बुक करा देना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 महीने की इसका वेटिंग पीरियड भी चल रहा है। तो अगर अभी आप बुक कराते हैं तो आपको अक्टूबर लास्ट नवंबर की स्टार्टिंग में मिल पाएगी। फ्रंट हेडलैम्प की बात करें तो वही लेजेंडरी हेडलैम्प आपको देखने को मिल जाता है, बल्ब सेटअप में ही देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको पार्किंग लाइट देखने को मिल जाएगी, जिनको हम लोग बुलेट पार्किंग लाइट भी कहते हैं। ओवरऑल दोस्तों, जैसा व्हील आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, पहले भी इसका जो व्हील था बहुत ही ज्यादा अच्छा आता था, अब और भी दोस्तों जैसे कि क्वालिटी आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, अलॉय व्हील की बहुत ही ज्यादा रफ टफ देखने को आपको मिल रही है। साथ ही में जो दोस्तों इसमें डिस्क ब्रेक है वो आपको 300mm का देखने को मिल जाता है, जो कि डुअल चैनल ABS सपोर्ट करता है। व्हील साइज की बात कर लेते हैं तो इसका जो फ्रंट व्हील साइज है वो आपको 100x90 का देखने को मिल जाता है, 19 इंच का। और साथ ही में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो ऑरेंज कलर में बल सेटअप में देखने को मिलते हैं। हैंडल बार की बात करें तो फुल्ली हैंडल बार का डिजाइन जो है चेंज हो गया है। दोस्तों, सबसे पहले स्विच गियर क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं, तो आपको मीटियोर 350 की तरह सेम स्विच गियर क्वालिटी देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और डिज़ाइनर भी लगते हैं देखने में। हालांकि जो गाड़ी है बुलेट 350 क्लासिक 2022 सेम जे प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिस पर इनकी मीटियोर आपको देखने को मिली थी। अब इसके मीटर कंसोल को लेकर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको डिजिटल प्रेजेंट लॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है। डिजिटल मीटर में अपनी आप फ्यूल कैपेसिटी, ट्रिप, साथ ही में आप इसका इको और पावर मोड चेकआउट कर पाएंगे। और दोस्तों, इसकी स्पीड जो है वो आपको एनालॉग मीटर में देखने को मिलेगी। अगर आप इसका क्रोम वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अब इंजन स्पेसिफिकेशंस को लेकर बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 350cc का, या कह लीजिए 249cc टू बी प्रिसाइज, आपको पेट्रोल इंजन 4-स्ट्रोक देखने को मिल जाता है। जो एयर ऑयल कूल्ड इंजन है यह आपको देखने को मिलेगा फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। पावर और टॉर्क की बात करें, नो डाउट 20.21 PS का पावर गाड़ी जनरेट करती है 6,100 RPM पर, और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 4,000 RPM पर। तो काफ़ी अच्छा पावर और टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें, जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत सा आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है रेड लाइनिंग के साथ। सीटिंग कम्फर्ट जो है गाड़ी का, नो डाउट अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। पहले से जो सीटिंग क्वालिटी है मुझे पर्सनली अच्छी लगी। पहले थोड़ी सी आपको हार्ड सीट देखने को मिलती है, लेकिन इस बार रॉयल एनफील्ड ने कम्फर्ट का भी पूरा ध्यान रखा है। टेल लाइट की बात कर लेते हैं तो आपको वही सेम लेजेंडरी टेल लाइट देखने को मिल जाती है राउंड शेप में, और आपको इंटीग्रेटेड ही देखने को मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर, जो आपको ऑब्वियसली बात है बॉडी आउटसाइड देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको लेडीज़ लेग गार्ड विद सारी गार्ड कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका इसमें प्राइस भी बच जाता है। या अगर आप इसको हटवाना चाहते हैं तो आप इसमें अलग से जो है लेग गार्ड लगवा सकते हैं, जो कि तकरीबन आपको 1,500 से लेकर 2,000 के बीच देखने को मिलेगा। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, 280mm का डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है। अगर सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको जो रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। जो इनका रियर सस्पेंशन है अब आपको देखने को मिलेगा ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर विद 6-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड टेंशनर के साथ, तो काफ़ी कम्फर्टेबल राइड गाड़ी आपको प्रोवाइड कराएगी। दोस्तों, अगर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कंपनी ने काफ़ी हद तक इसको अच्छा बनाने की और कोशिश करी है। अब ये जे प्लेटफॉर्म पर आती है, इंजन भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड आपको देखने को मिल जाता है, और मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी आपको अच्छी मशीन देखने को मिलती है।
हालांकि जो थोड़ा सा इनका गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं लैगी लगता है, लेकिन अगर आप इसको टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहते हैं तो वो भी आपका सही हो जाएगा। पर्सनली मेरा ओपिनियन जो है गाड़ी के कुछ ऐसा था। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब